वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पजल नंबर 32 सॉल्व करेंगे। आज की पजल ऑर्डर एंड रैंकिंग पजल सीरीज का 7th नंबर पजल है और इसमें 8 लोग हैं जो कि अलग अलग महीनों में बॉर्न हुए हैं, अलग अलग डेट्स पर। हमको उनकी डेट्स का करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। पजल सेज 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच वेर बॉर्न ऑन द 8th एंड 21st ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। 8 और 21 तारीख 4 महीने, यानी कि 2 4 8, तो 8 लोगों का जगह बन गया। ओके, जनवरी मार्च जून एंड अगस्त ऑफ द सेम ईयर, 4 महीने। नो टू पर्सन हैव द सेम एज, तो वी हैव टू अरेंज एंड अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ दीज 8 पीपल। ओके, नाउ द क्लूज आर गिवन, लेट अस राइट डाउन ऑल द क्लूज प्रॉपरली। Because writing down all the clues, jotting down all the clues in a proper manner will help you achieve good speed and accuracy with time. Okay, so first clue is H was born in a month having 30 days. H is equal to 30. E was not born in January. E was not born in January. G was not born on the 8th of any month. G was not born on 8th of any month. E was born before H but not immediately before H. E was born before H but not immediately before H. Okay. Both C and G were born in the same month. C is equal to G is equal to same month. The number of people born between E and H, the number of people born between E and H is same as the number of people born between B and H. The number of people born before A is the same as the number of people born after H. So people before A is equal to people after H. D was born before F, who was not. D was born before F, who was not. F, who was not born on 8th of any month. F was not born on 8th of any month. So here what we will do is we will first write down all the months which are given to us. So the 4 months that are given to us are January, March, then June and August. Okay. ऐसी पजल्स में फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि डेज कितने हैं उस महीने में। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। मार्च में 31, अप्रैल में 31, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून में 30 और अगस्त में अगेन 31। ठीक, ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जब भी आपको इस तरीके की पजल आती है तो आपने ये ध्यान देना है कि कौन से महीने में कितने दिन है। अब हम सबसे पहला क्लू अगर उठाएं यहां से, तो हम अगर इससे शुरू करें तो हमें दो पॉसिबिलिटी यहीं से दिख जाती है। अगर एच 30 महीने वाले दिन में पैदा हुआ है तो एच या तो 8 को हुआ होगा या फिर 21 को हुआ होगा। दो पॉसिबिलिटी ही पे आ गई। ओके, उसके बाद आप देखिए ई जनवरी का अभी कुछ नहीं कर सकते, जी ई एच कुछ नहीं कर सकते, ई एच सी जी इज इक्वल टू सेम मंथ। ई एंड एच बी एंड एच कर सकते हैं क्या? ई नहीं, कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। ए का बिफोर वाला कर सकते हैं। देखिए H के आफ्टर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो A के पहले भी कितने होंगे? 1 1 2 और ये 3। तो A आपका पहला वाला A इधर आ जाएगा। दूसरा अगर आप देखें H के नीचे 2 हैं, H के बाद 2 हैं, तो A से पहले भी 2 होंगे तो आपका A इधर आ जाएगा। ये एक हमने क्लू सॉल्व कर लिया। ओके, उसके बाद कहता है कि एच और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी और एच के बीच में है। ओके, तो अब हम एच और E को देखें। अच्छा, अब यहां एक देखिए कि H जो है वो कह रहा है कि E से पहले है और E जो है जनवरी में नहीं है जी।
तो अब आपका E यहां पर तो नहीं आ रहा किसी भी सूरत में, E इधर नहीं आ रहा है, ओके okay? अगर E यहां नहीं आ रहा और H से पहले H चाहिए तो एक ही प्लेस बची, यहां पे आ रहा है। यहां पर दो प्लेसेस हैं, पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम E को यहां रख देते, मान लो अगर E को यहां रख देते तो क्या होगा कि H के इमीडिएट पहले आ जाएगा। यहां पर क्या बोला है, E और H, फोर्थ क्लू आप ध्यान से देखिए, E was born before H but not immediately before H। तो इससे क्या होता है कि इमीडिएटली आ जाएगा, तो फिर हमारे को E के लिए जगह यहीं पे मिल जाती है, नहीं तो थर्ड पॉसिबिलिटी लेनी पड़ जाती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि वो तुरंत कैंसिल हो जाती, पर फिर भी यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि E जो है इमीडिएटली नहीं है, born before E है, तो born before H, तो E is born before H, ये यहाँ पर है, ओके okay. ये वाला क्लू भी हमने यूटिलाइज कर लिया है, ओके okay. अब आपको क्या मिलता है यहां से देखिए फायदा, ई और एच के बीच में कितने लोग हैं, देखिए एक है तो उतना ही बी और एच के बीच में होगा, तो एक तो आपका बी आ जाएगा जी यहाँ पे, यहां पर ई और एच के बीच में एक है तो एच और बी के बीच में भी एक ही होगा, तो ये आपका क्लू यहां पर भी खत्म हो जाता है। अब आप देखिए एक दो तीन चार, ये चारों जगह भर गई है, यहां पर क्या बोलता है कि सी और जी एक ही महीने में आ रहे हैं और जी जो है 8 तारीख को नहीं आएगा, सी और जी के लिए एक ही महीना कौन सा बचा, अभी ये बचा सी और जी, बट वो कहता है कि जी को हमने 8 तारीख पे नहीं रखना, तो जी हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और सी हमारा इधर आ जाएगा, हो गया ओके। अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आप देखें तो तीनों स्पेस भरी हुई है, तो यहाँ पर आपका सी 8 तारीख को आएगा तो जी आपका 21 को आएगा, ये हो गया, ये हो गया हमारा ओके okay. अब कौन सा बचा, एफ और डी, और एफ इज नॉट ऑन 8th। अब क्या बोलता है कि एफ और डी, डी जो है वो एफ से पहले है और एफ हमारा 8वें पर नहीं है यहाँ पे, तो ये भी हो गया। अच्छा यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको डी के लिए ये जगह मिल रही है और एफ के लिए ये जगह मिल रही है, बट एफ इज नॉट इक्वल टू 8 बोला है, मतलब वो 8 तारीख को पैदा नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये जो सेकंड वाली जो पॉसिबिलिटी है हमारी ये गलत हो जाती है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, एंड दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस पजल। तो यहां पर आपको जो क्लू एक पॉसिबिलिटी से बचा गया वो कौन सा था, फोर्थ क्लू। फोर्थ क्लू में क्या था कि एच was born, sorry, E was born before H, E was, इसको गलत करें, E was born before H, but not immediately, तो immediately नहीं था, हम लोग immediately का साइन कैसे लगाते हैं आपको बताया हुआ, ये देखिए ऐसा अगर लगाओगे तो immediately होगा, तो immediately नहीं होने की वजह से आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी का जो ये क्लू यहाँ पे हमने पकड़ लिया, इसलिए हमें यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। So, जब भी एग्जाम में ऐसी चीज आती है तो आपने बहुत ही सावधानी से इस चीज को करना है, और इसी क्लू के बल पे आपकी एक पॉसिबिलिटी कम हो गई तो आपको ये बहुत फायदेमंद हो गया। सो प्लीज फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ पजल्स, प्री लेवल में ये जरूर आती हैं और SBI प्री में आने के इसके चांसेस होते हैं ऐसी पजल के रैंकिंग एंड ऑर्डर में, क्योंकि इसमें देखिए काफी सारा वेरिएबल्स है, मंथ्स है, देन डेज है, दो पॉसिबिलिटी है, तो इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 1 to 2 or 2 to 5 मिनट्स में भी इट मे टेक, अगर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। सो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर, डेली प्रैक्टिस करिए पजल्स की जो मैंने अपलोड करी है, ऑल ऑफ देम आर रेलिवेंट एंड ऑल ऑफ देम आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न विच मे कम इन योर एग्जाम। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स, थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेन्स लेवल क्वेश्चंस। We will be bringing up many more puzzles. We are uploading puzzles daily. हमारी playlist देखिए, description में देखिए, आपको हर एक video में उस puzzle में क्या क्या है उसका puzzle का पूरा detail description मैंने डाला हुआ है, ताकि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी variety of puzzles हमने ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाई हुई है। Thank you.